नमस्कार, आपकी रिक्वेस्ट थी कि चतुर्थ विभाग लेखन कौशलम वो समझाएं। जो पहला प्रश्न है, विशिष्ट विभक्त है उपयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत, जो 5 मार्क्स का होता है, आपको 5 में से 3 लिखने पड़ते हैं, उसे हम देखेंगे। कुछ IMP प्रश्न है, क्वेश्चन है, वही मैंने यहाँ लिखे हैं। आपको अगर डिटेल्स में चाहिए तो आपकी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें पेज नंबर 101 और 102 में डिटेल्स में दिया है। अगर 9th में भी उपपद विभक्तियाँ दी गई है, वो भी आपको पूछा जा सकता है 9th की। तो इस तरह मैंने यहाँ कुछ गिनी चुनी धातुएं ली हैं, उसी के बारे में लिखा है, जो ई बाल भारती पेपर में से मैंने लिए हैं। कुछ धातुएं हैं वो देखेंगे। संस्कृत में कुछ धातुएं ऐसी होती है जिन्हें एक विशिष्ट विभक्ति का उपयोग किया जाता है, उसी के साथ वो अच्छी दिखती है। तो कुछ धातुएं यहाँ पे मैं बता रही हूँ। पहला है गम अगच्छ धातु। गम अगच्छ धातु मीन्स गम मीन्स जाना, गच्छ मीन्स जाना, या मीन्स याति मीन्स भी जाना। गम अगच्छ धातु पहला परस्मय पद होता है, उसका अर्थ होता है जाना, पर वो द्वितीय विभक्ति के साथ ही उसका उपयोग होता है। उसको अपेक्षा किसकी होती है? द्वितीय विभक्ति की। मीन्स आपके वाक्य में द्वितीय विभक्ति का कुछ न कुछ तो आना चाहिए। जैसे कि राम वनम गच्छति, तो राम ये प्रथमा विभक्ति का है, पर वनम ये द्वितीय विभक्ति का है। इसलिए कभी भी गम गच्छ आ जाए आपके क्वेश्चन में, तो आपको इसमें द्वितीय विभक्ति का यूज़ करना है वाक्य में। और आपको लिखना कैसे है, गम गच्छ पहला परस्मय पद लिखना है, फिर द्वितीय विभक्ति लिखनी है, और फिर राम वनम गच्छति। और अगर वनम ये द्वितीय विभक्ति में है तो आपको वनम के नीचे अंडरलाइन करनी है। गच्छति या याति दोनों में से कुछ भी आ जाए तो। उसी तरह याच, याच मीन्स मांगना, वो भी द्वितीय विभक्ति में ही उपयोग उसका होता है। उसका जैसे कि याचक नृपम धनम याचते, द्वितीय विभक्ति नृपम, याच द्वितीय विभक्ति याचक नृपम धनम याचते। उसी तरह रुच धातु है। रुच धातु ये आत्मने पद है, तो आत्मने में पद में चतुर्थी विभक्ति का उपयोग होता है। शुकाय धनाय ऐसा आएगा, पुत्राय। रुच धातु के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का उपयोग होता है। तो शुकाय दाढ़िमम रोचते, शुकाय मीन्स तोते को दाढ़िम बहुत पसंद है, पोमेग्रेनेट बहुत पसंद है। क्रोध कूप, कूप मीन्स भी गुस्सा करना, और क्रोध मीन्स भी गुस्सा करना, उसका भी उपयोग चतुर्थी विभक्ति में होता है। तो माता पुत्राय कुप्यति, माता जननी पुत्राय क्रुध्यति कुप्यति, आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर प्रतिशु, प्रतिशु मीन्स कबूल करना, इसका भी उपयोग चतुर्थी विभक्ति में हो जाता है। मीन्स वाक्य में आपके चतुर्थी विभक्ति आनी चाहिए, उसे कहते हैं विशिष्ट विभक्ति का उपयोग करना। तो चतुर्थी विभक्ति है यहाँ, प्रतिशु मीन्स कबूल करना। यमह नचिकेसे वरत्रयम प्रतिशुणोति, आपके 9th का चैप्टर है नचिकेता का, तो यम नचिकेता को 3 वर देने के लिए कबूल करता है। उसी तरह कथ है, कथ मीन्स कहना, उसका उपयोग भी चतुर्थी विभक्ति में होता है। जिसकी पितामही बालकेभ्य कथाम कथयति, या बालकेभ्य है चतुर्थी विभक्ति है, आपको उस विभक्ति का उपयोग करना। आपको याद क्या करना है, अगर गम गच्छ आए तो गम गच्छ का उपयोग किसके साथ, किस विभक्ति के साथ किया जा सकता है, तो द्वितीय। तो आपको द्वितीय का अब तो पता है, रामम वनम गच्छति, फिर राम वनम गच्छति, राहुल मंदिरम गच्छति, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर याच है, याच का उपयोग भी द्वितीय में होता है। आपको ये वाक्य, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप याद किया करो। स्पृह, स्पृह मीन्स भी रोचते, रुच का अर्थ भी वही होता है और स्पृह का अर्थ भी वही होता है, मीन्स पसंद आना, वो भी चतुर्थी में होता है और ये भी चतुर्थी में होता है। तो स्पृह, शुक दाढ़िमा स्पृहति, शुक को दाढ़िम पसंद है, उसे पसंद है इसलिए। फिर नमः, तो नमः का उपयोग भी चतुर्थी विभक्ति में होता है। शारदा ये नमः, गणेशाय नमः, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर विरम, विरम मीन्स विराम देना, विरमंती हम कहते हैं, मीन्स रोकना। तो विरम का उपयोग होता है पंचमी विभक्ति में। सज्जना सत्कार्यात् न विरमंती, सज्जन लोग है अच्छे कर्म करने से रुकते नहीं हैं, तो इसका उपयोग, विरमंती का उपयोग सत्कार्यात्, ऐसा आपके सेंटेंस में होना चाहिए उस विभक्ति का, नहीं तो आपके
सेंटेंस में अगर वो विभक्ति ना हो तो आपका सेंटेंस है वो गलत ठहरेगा। रक्ष, रक्ष मीन्स रक्षा करना, पंचमी विभक्ति का उपयोग होता है उसमें। सैनिकाः शत्रुभ्यः देशं रक्षति, सैनिक शत्रु से देश की रक्षा करते हैं। उसी तरह स्नेह, स्नेह मीन्स प्यार करना, लाड़ करना, तो उसका उपयोग भी सप्तमी से होता है। मात्रा पुत्रे स्नेहति, फिर माता पुत्र को स्नेह करती है। उसी तरह कोई भी वाक्य पिता पुत्रे स्नेहति ऐसा आप लिख सकते हैं। वितरुत्तर, वितरुत्तर मीन्स वितरंती, वितरु या वितर, वितरंती मीन्स बांटना, उसका उपयोग भी सप्तमी विभक्ति में होता है। मुख्य अध्यापक छात्रेषु पारितोषिकाणि वितरति, मुख्य अध्यापक है जैसे कि प्रिंसिपल है, वो छात्रेषु, शु आ गया यहाँ पे मीन्स कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, वो इनाम देते हैं, बांटते हैं। ये दाय अच्छा है आपके टेंथ में नहीं है, पेज नंबर 101 और 102 में नहीं है, ये नाइन्थ का है दाय अच्छा। नाइन्थ में जो उपपद विभक्तियाँ थी आपको वही है ये दाय अच्छा मीन्स देना, उसका उपयोग भी चतुर्थी विभक्ति में होता है। शिष्याः गुरुवे दक्षिणाम यच्छन्तु, शिष्य गुरु को दक्षिणा देते हैं। इस तरह आपके जो वर्ब्स हैं, जो क्रियापद हैं, उसके साथ इन विभक्तियों का उपयोग होगा। ये गिनी चुनी है जो मोस्ट टाइम पे मैंने देखी है हमेशा पेपर्स में, वही यहाँ पे लिखी है। और अधिक चाहिए होगी तो आपको पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 और 102 पे है, आप प्लीज़ उसे याद कर लेना या फिर देख लेना एक बार। ये कुछ गिनी चुनी धातियों हैं, उनके विभक्ति वही होनी चाहिए वाक्य में, उसका अर्थ होता है विशिष्ट विभक्ति मीन्स उस गमगच्छ में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, याच में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, याचते आत्मनेपदे रुच चतुर्थी विभक्ति ही होनी चाहिए। अगर आपने द्वितीय विभक्ति यहाँ पे लगा दी तो आपका वाक्य गलत ठहरेगा। क्रोध कूप में चतुर्थी विभक्ति, प्रतिश्रु चतुर्थी विभक्ति, कथ में भी चतुर्थी विभक्ति, स्पृह में चतुर्थी विभक्ति, नमः चतुर्थी, वीरम पंचमी विभक्ति, रक्ष पंचमी विभक्ति, स्नेह सप्तमी विभक्ति, वितरु वितर सप्तमी विभक्ति, दायच्छ में चतुर्थी विभक्ति। इस तरह आपको विभक्तियाँ याद रखनी है और उस अनुसार आपको वाक्य बनाना है, या फिर वाक्य भी आप याद रख सकते हैं। मोस्ट एमपी है ये, बार बार पूछी जाती है, और अगर आपके पास टाइम होगा तो आप टेक्स्ट बुक में का भी किया कीजिए, और अगर टाइम या बहुत लेट हो गया होगा तो आप सिर्फ यही करेंगे तो भी ठीक है। आपको 5 में से 3 ही लिखना है, मीन्स इनमें से 3 तो ज़रूर आएंगे। मोस्ट टाइम पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेंथ वालों को ऑल द बेस्ट। आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुकी हैं, प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।